दोस्तों स्वागत है आप सभी का लेयर थ्री एजुकेशन में। और आज के इस वीडियो में अपन सीखेंगे कि स्क्वायर निकालने की ट्रिक क्या है। बड़ी शानदार ट्रिक है, मात्र 2 सेकंड लगेंगे आपको किसी भी संख्या का आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको क्या फॉलो करना है कि मैं एक चीज बना रहा हूँ, यहाँ पे देखना, एक क्रूस बना रहा हूँ, क्रूस बना रहा हूँ, इससे काम हो जाएगा। अपना काम कैसे हो जाएगा, अब क्या करिए आप, सबसे पहले ये जो 2 संख्याएं दी है इसमें दोनों का स्क्वायर पता होना चाहिए। कैसे, 4 का स्क्वायर किसी को भी पता होगा कि 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 चौक 16 होता है। तो इसमें इस साइड लिख देना है 4 चौक 16, ठीक है साहब। अब क्या करना है सर, अब करना है कि 8 का स्क्वायर कितना होता है, सभी को पता है 8 64 होता है, 64 होता है, 8 8 जा, इंग्लिश मीडियम वालों के 8 8 जा 64 होता है। अब क्या करना है कि तीनों जो संख्याएं दिख रही है, एक तो 4 दिख रही है, एक 8 दिख रही है और एक 2 दिख रही है, तो 4 8 32 और 32 2 64 कर देना है। और जिस 64 को क्या करना है, बिल्कुल इसके पास में ही लिखना है, किसके पास में, बिल्कुल इसे डंडे के पास में लिखना है और सबको प्लस कर देना है। अब 4 जोड़ा, यहाँ 4 आया, 6 और 4 10 की 0, हसीला का 1, 6 6 12 और 1 13 का 3, हसीला का 1, तो 2304 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि 48 का स्क्वायर करेंगे आप तो 2304 निकल के आएगा, आप चेक कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। मान लो मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूँ, मान लो इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन उठाया, या फिर एक काम करिए, एक और एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि 53, या फिर एक काम करो 54 का ही ले लो, 54 का स्क्वायर ले लो। कैसे निकालेंगे, तो जो ट्रिक है अपनी उसको याद रखना है कि ऐसा क्रॉस बनाना है, ऐसा एक और लाइन खींचनी है। अब दोनों का स्क्वायर पता होना चाहिए, 5 का स्क्वायर कितना होता है, आप सभी को पता है कि सर 5 5 25 होता है, ठीक है साहब लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। 4 का स्क्वायर कितना होता है, आप बोलोगे सर 4 चौक 16 होता है, लिख दिया। अब बोलो कि इन दोनों का, तीनों संख्याओं का इंटू करना है, 5 4 2, तो 5 चौक 20 होता है, और 20 दुना कितना होता है 40, और ये जो 40 है ये किसके पास में लिखना है, इस लाइन के पास में लिखना है, मतलब ये जो लाइन जा रही है ना इनके बिल्कुल पास में, आसपास में ही लिखना है। फिर सबको प्लस करना है, तो 6 के नीचे कुछ नहीं है 6, 1 के नीचे 0 है 1, 5 और 4 कितना हो गया 9, और 2 कितना हो गया 29, 16 कितना आ गया 29 और 16, यानी कि 2000 इसका आंसर आ गया, कि 2916 किसका स्क्वायर हो गया, 54 का स्क्वायर हो गया। आपने लाइन बाय लाइन करते चलते हैं, इनको करने की कोशिश करते हैं, बड़ी आसानी से आपका निकल जाएगा, कोई समस्या नहीं। चलो पहला वाला ले लेते हैं, 58 का स्क्वायर निकालना है। अब ये क्रूस बनाया, आपका काम हो गया। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, सभी को पता है। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। फिर क्या करना है, 5 8 40, मैंने बोला था कि तीनों संख्याओं का आपस में गुणा कर देना है, 5 8 40, 40 2 80, तो यहाँ लिखा 80 और जोड़ा तो कितना आ गया, 4 का 4, 6 का 6, 8 5 13 का 3, ऐसी लगा 1, तो 33 64 इसका आंसर आ जाएगा, 58 का स्क्वायर। तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं, आप मेरे साथ करने की कोशिश करिए। अब मान लो यहाँ पे लिखा मैंने 44 का स्क्वायर, कितना लिखा 44 का स्क्वायर, यहाँ क्रूस बनाया, अपना काम हो गया। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, 4 चौक 16 है ना, और 16 गुना 32, 4 चौक 16 और 16 गुना 32, मैंने बोला तीनों संख्याओं का आपस में गुणा कर देना है। तो देखिए ये बना आपका 6 का 6, 1 और 2 3 हो गया, 6 3 9, और ये तो 1936 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, कि 44 का स्क्वायर कितना होता है, 1936 इसका आंसर हो जाएगा। ये हो गया 44 का। अब ले लेते हैं 64 का, है ना, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इसमें हाथ क्लियर हो जाएगा, यानी कि हाथ साफ हो जाएगा आप, फिर करेंगे कोई समस्या नहीं आएगी। चलो 64 का स्क्वायर ले लेते हैं, ये बनाया क्रूस, तो 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, फिर 6 चौक 24, 24 दूना 48, ये लिखा 48, 6 का 6 8 और 1 9, 6 4 10 की 0 ऐसे लगा 1, तो 4096, यानी कि 4096 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मात्र 2 सेकंड में आ जाएगा, आपकी अगर प्रैक्टिस बन जाएगी फिर कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी। मान लो अगला मैं लेता हूँ, अगला लिया मैंने 74, कितना लिया 74, मान लो 74 का स्क्वायर करना है, तो आप करिए यहाँ पे लिखिए 7 का स्क्वायर कितना 49, 7 7 जा 49 और 4 4 जा कितना होता है 16, तो साथ ही साथ ही 49 और 4 चौक 16, 7 चौक 28, 28 दूना 56, 7 चौक 28, 28 दूना 56, तो 6 6 1 7, 9 5 14 1000, हसी लगा 1, 5 4 7 6 कितना आ गया 5 4 7 6 इसका आंसर आ गया। बड़ी आसानी से आप कर लोगे, ये 74 हो गया, 54 भी हो गया, है ना। अब एक संख्या ले लेते हैं, मान लो
एक काम करो 47 का स्क्वायर ले लो। तो कैसे करेंगे, डायरेक्ट लिखा 4 चौक 16, साथ ही साथ ही गुण 50, 400 तो 28, 28 दूर 56, तो डायरेक्ट 9, 6 4 10 की 0 से लगा 1, 7 5 12 का 2 से लगा 1, तो 32 0 9। तो आप इस तरीके से किसी भी संख्या का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं, टू डिजिट वाली। किस कौन सी टू डिजिट, इसके बाद थ्री डिजिट का भी लाऊंगा, है ना। अभी टू डिजिट का समझ लेते हैं, इस तरीके से करना है आपको। ये चीज समझ में ध्यान रखना है, केवल तीन स्टेप में फॉलो करना है कि जैसे इस संख्या का निकालना है। पहली स्टेप अपनों ने देखी कि सबसे पहले तो ऐसा बना लेना है ना। उसके बाद पहली स्टेप ये है कि इसका स्क्वायर लिखना है इस साइड 4 चौक 16, फिर इसका स्क्वायर लिखना है इस साइड 49, फिर क्या करना है तीनों संख्याओं का आपस में, तीन संख्या कहाँ दिख रही है सर, एक दो और तीसरी संख्या, ये है इसी एक दो और तीसरी संख्या, ये है ही सही। तो 400 तो 28 और 28 का डबल कितना होता है 56, और ये ध्यान रखना कि इस लाइन के पास में ही लिखना है 56 को, और सबको जोड़ लेना है तो आपका आंसर आ जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलेंगे ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक वाले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद सभी को। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।